कन्वर यात्रा जो एक सेक्रेट यात्रा है जो लॉर्ड शिवा के भक्तों द्वारा की जाती है, जिसमें भक्तों को नंगे पैर चलकर अलग अलग शिव मंदिरों तक जाना होता है, गंगा से पवित्र पानी भरकर बर्तनों में वापस लाना होता है और अभिषेक रिचुअल्स करते हैं। इसके रिलेटेड नेम प्लेट कॉन्ट्रोवर्सी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लगाने का हुक्म दिया। ये हुक्म बैकलैश और लीगल चैलेंजेस का शिकार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म को रोक दिया। कन्वर यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कन्वर यात्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया जब उनकी कन्वर यानी पानी के बर्तन का एक हिस्से में नुकसान पहुंच गया। 21 जुलाई 2024 को कन्वर यात्रियों ने शक किया कि एक कार ने उनकी कन्वर को बेअदबी से नुकसान पहुंचाया। इसके जवाब में उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, कार पर चढ़कर और उनके शीशे तोड़ने की कोशिश की। गाड़ी को उनके अमल की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा। आप आगे देखिए इसी के कुछ झलकियों और पुलिस ऑफिसर का बयान। अपार पुलिस को भी थोड़ी देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि कावड़ियों का एक समूह चल रहा था, कावड़ खंडित होने की बात पर उनके द्वारा एक चरपहिया वाहन को रोककर उसके साथ तोड़फोड़ की गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस मौके पर पहुंची, कावड़ियों से वार्ता किया गया। वार्ता क्रम में कहीं भी कावड़ खंडित होने की पुष्टि नहीं हुई। बहरहाल जिस संख्या के आधार पर जिस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी, पुलिस उस गाड़ी को कब्जे में ले ली है और उस गाड़ी के वाहन चालक और बैठे लोगों का पता कराया जा रहा है। घटनाक्रम यहाँ ढाबे के पास सीसीटीवी लगी है, डीवीआर से पूरा सीसीटीवी फुटेज लिया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है, हाईवे चल रहा है और यहाँ कोई समस्या नहीं है।